નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. ક્લાસ 4, સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર, ચેપ્ટર કાઉન્ટેબલ એન્ડ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. हमने फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ओके, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल एंड देन लास्ट वन था अनकाउंटेबल नाउन. ओके, काउंटेबल नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, और अनकाउंटेबल में 1. ओके, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. ओके, नाउ हियर लेट्स कंटिन्यू दिस. Now here next we use a or n with singular countable nouns. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम a or n, यहाँ पे आर्टिकल जाए a or n, right? तो a हम कहाँ पे यूज करते हैं, n कहाँ पे यूज करते हैं, right? वो सब आपको पता ही है, आर्टिकल्स हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख लिए थर्ड स्टैंडर्ड में. ओके, तो यहाँ पे a और n आर्टिकल यूज हो गए काउंटेबल नाउन में. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है दिस इज अ फ्लावर, तो यहाँ पे एक ही फ्लावर की बात हो रही है और यहाँ पे ये सिंगुलर है, फ्लावर मीन्स एक ही फ्लावर है, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लावर के साथ यूज किया ए. देन नेक्स्ट दिस इज एन एलिफेंट. ओके, तो एलिफेंट यहाँ पे फर्स्ट लेटर वोवल है एंड देन when we speak, right, elephant a, तो यहाँ पे ये भी vowel हुआ. ओके, तो यहाँ पे आगे हमने a लगाया. ओके, तो यहाँ पे a और n. ओके, then next for example यहाँ पे मैं ये book ले रही हूँ, ठीक है? तो ये one book ही है, ठीक है? तो ये क्या होगा, singular countable. ओके, तो book जो है, right, ज्यादा चीजें, वन और मोर थिंग्स. तो हियर वी यूज नंबर.
nouns. तो यहाँ पे specific ये बोल रहे हैं कि हम use नहीं कर सकते, we cannot use. What we cannot use? A, N or numbers. Okay? A, N or numbers. किसके साथ use नहीं कर सकते? Uncountable nouns. Uncountable nouns means के हम कोई भी चीज ले वो count ना कर सके. Mostly जो liquid form होते हैं वो हम count नहीं कर सकते. फिर छोटी छोटी चीजें हो like sugar हो, salt हो, वो हम count नहीं कर सकते, वो uncountable होती है, right? तो जब हम uncountable noun use करें तब हम a और n article use नहीं करेंगे और ना ही कोई number use करेंगे, okay? Then next, but we can use the with both countable and uncountable nouns, okay? तो article a n में तो पता चल गया, अब यहाँ पे article the की बात हो रही है, आपको यहाँ पे the के बारे में पता है, तो क्या बोल रहे हैं कि हम the use कर सकते हैं, article the कब use कर सकते हैं? Countable noun और uncountable noun दोनों में, okay? वो things पे depend करेगा कि हम कब the use करें, article the use करें, okay? For example, here they give us the water is warm. तो water, the water, right? तो water uncountable है, हम count नहीं कर सकते, तो यहाँ पे uncountable noun use हुआ, and इसके आगे हमने article the लगाया, okay? Then next, the rice is ready. Let's eat. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? The rice. तो rice जो है वो uncountable है, right? कितने count करेंगे? Uncountable है, okay? तो rice uncountable है, उसके साथ हमने क्या use किया? Article the, okay? Then next, this is the bottle, right? Bottle है, water से भरी हुई है, right? तो ये हम count नहीं कर सकते water को, ठीक है? तो हम जब यहाँ पे sentence में water use करें, तो वो uncountable है और हम उसके आगे क्या लगाएंगे? Article the. The water is called in this bottle, okay? ये sentence ऐसे हम बना सकते हैं, okay? ये bottle में cold water है, यहाँ पे ये sentence में warm means के गर्म, hot water है, okay? Here I hope you all understood this concept, okay? Now here let's continue with exercise B, okay? So first of all, open your grammar textbook.
joining us.